दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने 22 अधिवक्ताओं को नोटरी पद पर नियुक्त किया, तो वहीं इस नियुक्ति पद पर अन्य अधिवक्ताओं ने अपनी शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा 22 अधिवक्ताओं को नोटरी पद पर नियुक्त किया गया है, जिसमें तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के लिए 17 व तहसील धमदा जिला दुर्ग के लिए 5 अधिवक्ताओं को नोटरी पद के लिए नियुक्त किया गया है। इस मौके पर नव नियुक्त नोटरियों को जिला अधिवक्ता संघ ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे भविष्य की कामना की। साथ ही जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष अनीता जैन ने इस प्रक्रिया पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि इस पद के लिए वृद्ध अधिवक्ता जो 60 साल के हो चुके हैं उन्हें अवसर मिलना चाहिए, ताकि इस उम्र में वो एक जगह बैठकर अपना कार्य कर सके। साथ ही अधिवक्ता संघ के सचिव रविशंकर सिंह ने शासन द्वारा नियुक्त किए गए नोटरी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रतिक्रिया दी। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल, सह सचिव कृष्ण राज चंदेल, सांस्कृतिक सचिव मोनिका सिंह, मीडिया प्रभारी दानिश परवेज सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे। में अभी 17 लोगों की नियुक्ति हुई, जिसमें पहली बार 5 महिलाओं की नियुक्ति हुई है। प्रोसीजर तो जैसे कि इसमें पहले सबको सूचना जाती है, जितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है उसमें, और वे इंटरव्यू देते हैं। एक फॉर्मेलिटी है, बाकी तो करना ऊपर वालों को, शासन को करना रहता है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में धमदा से 3 लोगों का और बाकी दुर्ग से, पटन से हुआ है। और मेरा कहना यह है कि नोटरी का कार्य अभी तो जो दिया है ठीक है, लेकिन शासन को चाहिए कि जो 60 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, जो काम नहीं कर सकते एक जगह बैठ के, वो अपना काम कर सके, ऐसी पहल शासन को करना चाहिए, ताकि जो आज अधिवक्ता जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक कार्य सुचारू रूप से चल सके और उनका जीवन यापन अच्छे से गुजर सके। खुशी की बात है जिला अधिवक्ता संघ के लिए कि आज 17 दुर्ग जिले के लिए और 5 धमदा जिले के लिए, धमदा भी चूँकि दुर्ग जिले में आता है, अभी धमदा में अलग से कोर्ट नहीं खुला है। 13 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय से, हाईकोर्ट से जज साहब आ रहे हैं, वहाँ पर भी कोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। 17 दुर्ग और 5, 22 नोटरी लोग का चयन हुआ है और जिला अधिवक्ता संघ की ओर से लगातार उनको हम लोग अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ दे रहे हैं। ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि जिन लोग को भी नोटरी में होना रहता है, एक क्राइटेरिया रहता है, 7 साल, 10 साल, इतने साल की वकालत होना चाहिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन के पास जाता है, वहाँ पर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो जिले में नोटरी का कार्य कर पाते हैं और लगातार वो लोग यहाँ पर, कई सारे नोटरी पूर्व में भी हैं और नए भी नोटरी बने, लगातार ऐसे कार्य उनके द्वारा किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।